बॉल किस साइड में गिर रही है, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। हर आदमी का दिमाग एक पैटर्न बनाता है और वो उसी पैटर्न के हिसाब से उसको बैट लगवाता है। जब रूलेट आउट ऑफ पैटर्न मारता है बैट, तो वो आदमी बार बार बैट लगाता है और उसकी बैट चली जाती है। तो आपको ये भी मान के चलना है कि मेरे को अपने ही पैटर्न के खिलाफ भी बैट लगानी है। आपको कसिनो के तरीके से भी सोचना है, अपने तरीके से भी सोचना है। एक्सपीरियंस तो है उनके पास, पर उनको ये मालूम है कि यहाँ पे ये एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा, यहाँ पे दूसरे वाला एक्सपीरियंस काम करेगा। क्योंकि इससे मालूम पड़ता है कि एक्सपीरियंस तो है पर ऑब्जर्वेशन पावर भी, कि प्रोबेबिलिटी गेम आपको चार दिन जितवाती है और दो दिन हरवाती है, पर वो दो दिन में हारने का अमाउंट आपका चार दिन के जीतने वाले अमाउंट से ज़्यादा होता है। अगर आपके पास तो एक्सपीरियंस की लड़ी है, आपने तो सालों साल दिए कसिनो में, तो आप अपने सही एक्सपीरियंस को सही जगह लगा सको, इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए। 3-5% लोग ऐसे होते हैं जो रूलेट के अंदर गैम्बलर नहीं है, प्लेयर हैं, जिनका रेगुलर इनकम है, जिनका घर बार इससे चलता है, जो बनाए हैं। मैं उन लोगों की तादाद बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का वो ध्यान उन जगहों पर आकर्षित करना चाहता हूँ। इतनी धूप में बैठ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कसिनो के बारे में बात करेंगे कि कसिनो प्रोबेबिलिटी गेम है कि नहीं है, या कसिनो के अंदर प्रोबेबिलिटी गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, कसिनो के अंदर प्रोबेबिलिटी गेम खेलना भी चाहिए और प्रोबेबिलिटी गेम नहीं भी खेलना चाहिए। आपको यार ये क्या हो गई, ये तो दोनों बात हो गई। हाँ, ये दोनों बात हो गई, पर ये दोनों बातों को आप समझोगे तभी आप सेफ खेलोगे कसिनो के अंदर, और सेफ जीतोगे और ज़्यादा जीतोगे, कम हारोगे। कैसे प्रोबेबिलिटी गेम कैसे है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गेम खेलनी चाहिए। क्यों खेलनी चाहिए? क्योंकि भाई जब वो आउट मारेगा, रैंडम नंबर मारेगा, आपके प्लान किए हुए, आपकी स्ट्रेटजी वाले नंबर जो आपको लगता है इसके बाद ये मारेगा, अब ये 32 आया, 15 आया, तो अब ये जीरो स्पेल ही मारेगा, पर वो अचानक जाके ऑफिन पे बॉल गिर जाती है। तो इसके लिए वो रैंडम जब बॉल गिरा सकता है, जब रूलेट आपके साथ रैंडम नंबर पे बॉल गिरा सकता है, तो हम रैंडम नंबर क्यों नहीं कवर करके चल सकते। और आप अपनी बैट लगा दो, अपनी बैट लगाने के बाद जैसे ही बॉल स्पिन हो, और बॉल स्पिन होने के बाद आपको जो 5 सेकंड मिलते हैं, उसके अंदर कहीं भी कुछ भी रैंडम नंबर पे नंबर लगा दो। ये वो रैंडम नंबर है कि इससे क्या होगा, आपके 18 नंबर के आसपास कवर हो गए, गेम 50-50 की हो गई, बराबरी की हो गई। दूसरा, वो रैंडमली बॉल गिरा सकता है, तो हमने भी रैंडमली नंबर लगाए। अगर उसके बावजूद भी गेम नहीं आती, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है यार, हमने भी रैंडम नंबर लगाया, उसने बॉल उसके भी अलावा गिरा दी, कोई बात नहीं। पर हम ये नहीं कह सकते कि यार ये पैटर्न, क्योंकि वो पैटर्न को तोड़ता भी तो है। आपने तो पैटर्न के हिसाब से बैट लगाई, अब जब वो आउट ऑफ द पैटर्न जाएगा तो क्या करोगे? तो वो आउट ऑफ द पैटर्न जा सकता है, तो आप भी आउट ऑफ द पैटर्न जा करके नंबर लगा सकते हो। प्रोबेबिलिटी गेम इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि 18 कम से कम 50% रूलेट आपको कवर करना है, पर आपकी विनिंग बैट 12-15 नंबरों पे ही होनी चाहिए, 8-10 नंबरों पे ही होनी चाहिए, और उसमें जैकपॉट नंबर 2-3 होने चाहिए, जो मैंने पिछले नंबर पे बोला। जैकपॉट नंबर बनाना आना चाहिए आपको, जो सबसे ज़्यादा जिस पे आपको लगता है तजुर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, और करंट सिनेरियो के हिसाब से कि कलर चल रहा है। अब आपका जैकपॉट नंबर आपको लग रहा है रेड मारेगा और पैटर्न चल रहा है ब्लैक का, तो आप इसको, यह आपको ये भी ध्यान में रख के चलना है कि पैटर्न क्या चल रहा है, बॉल किस तरफ जा रही है, जिगजैग चल रहा है, कलर चल रहा है, बॉल किस साइड में गिर रही है, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से नहीं आता है, मतलब मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक्सपीरियंस से आता तो है, पर लोग इंप्लीमेंट नहीं करते क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर वीक होती है। वो कहीं वाला एक्सपीरियंस कहीं पर लगा देते हैं। एक्सपीरियंस तो है उनके पास, पर उनको ये मालूम है कि यहाँ पे ये एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा, यहाँ पे दूसरे वाला एक्सपीरियंस काम करेगा। क्योंकि इससे मालूम पड़ता है कि एक्सपीरियंस तो है पर ऑब्जर्वेशन पावर भी है। ऑब्जर्वेशन पावर होगी तो आप सही एक्सपीरियंस को पिक करोगे। अगर आपके पास तो एक्सपीरियंस की लड़ी है, आपने तो सालों साल दिए कसिनो में, तो आप अपने सही एक्सपीरियंस को सही जगह लगा सको, इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन पावर चाहिए होगी, उसी टाइम ऑन द स्पॉट डिसीजन पावर। तो इस हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी गेम खेलने के लिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा 50% रूलेट कवर होना चाहिए, पर 50% नंबरों पे बराबर के अमाउंट नहीं लगे होने चाहिए। 50% में कुछ नंबर ऐसे होने चाहिए जो आपको विनिंग नंबर हो, जो आपको अच्छा पे आउट दे, और उनमें भी 2-3 नंबर ऐसे जैकपॉट नंबर हो जो आपको बहुत बड़ा एक अमाउंट दे दे, जिससे होगा आपका विनिंग जो भी टारगेट है कि मेरे को आज इतना पैसा बनेगा तो मैं चले जाऊँ, वो बन जाए उस बैट में। ठीक है, बॉल तो कहीं भी गिर सकती है, कहीं भी गिर सकती है, इसीलिए उस 50% नंबरों के अंदर भी आपने जो रैंडम नंबर कवर किए हैं 10-12 नंबर के बाद, जो भी नंबर, वो रैंडम नंबर कवर कर लो आप। उसमें आपको ये अफसोस नहीं होगा कसिनो ने चीटिंग करी, देखो ये तो होगा कि यार मैंने इतने नंबर लगाए नहीं आए, पर आप ये नहीं कह सकते कसिनो ने चीटिंग करी क्योंकि आपने भी बॉल स्पिन होने के बाद रैंडमली कोई नंबर लगा दिया जो आपके पैटर्न में नहीं है। क्योंकि आपका हर आदमी का दिमाग एक पैटर्न बनाता है और वो उसी पैटर्न के हिसाब से उसको बैट लगवाता है।
पर जब कसिनो आउट जब रूलेट आउट ऑफ पैटर्न मारता है बैट, तो वो आदमी बार बार बैट लगाता है और उसकी बैट चली जाती है। तो आपको ये भी मान के चलना है कि मेरे को अपने ही पैटर्न के खिलाफ भी बैट लगानी है। मतलब आपको कसिनो के तरीके से भी सोचना है, अपने तरीके से भी सोचना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी गेम इसलिए मैं बोलता हूँ होनी चाहिए, पर प्रोबेबिलिटी गेम क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं प्रोबेबिलिटी गेम के लिए मना भी करता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गेम में क्या होता है दोस्तों, कि जो लोग प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं वो हमेशा ओवरऑल माइनस में रहते हैं, क्योंकि वो जीतते कम है हारते ज़्यादा है। जैसे वो क्या करते हैं, 10,000 रुपये लाएंगे और 2-3,000 रुपये विन होने पे चले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी गेम 10-3 तो हो ही सकते हैं, इजीली हो जाएंगे 10-20 या 30 होने में, थोड़ा फाइट लड़नी पड़ेगी। और ऐसे ही वो इंडिविजुअल बैट पे भी यही काम करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं कि 37 नंबर है, 25-30 नंबर कवर करके चलो आप तो जीतोगे, और वो जीतते भी है। पर प्रोबेबिलिटी गेम का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी गेम आपको 4 दिन जितवाती है और 2 दिन हरवाती है, पर वो 2 दिन में हारने का अमाउंट आपका 4 दिन के जीतने वाले अमाउंट से ज़्यादा होता है। सेम इसको अगर इंडिविजुअल डे के ऊपर अप्लाई करो तो ऐसे होता है कि आपने जो भी बैट लगाई है वो प्रोबेबिलिटी गेम अगर के हिसाब से बैट लगाई है, तो प्रोबेबिलिटी गेम खेलने वाले ना ज़्यादातर ज़्यादा नंबर कवर करते हैं और तकरीबन ज़्यादा नंबरों पर बराबर का ही अमाउंट लगाते हैं, थोड़ा बहुत 19-21 ऊपर नीचे होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, उनकी 4 बैट आती है, पर जब 2 बैट जाती है तो वो 4 बैट से ज़्यादा का पैसा ले जाती है, फिर वो प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं, फिर वो 4 बैट जीतते हैं, खुश होते हैं, फिर वो 2 बैट सारा पैसा ले जाती है। ऐसे करते 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 2-3 घंटे बीत जाते हैं, उनका दिमाग जो है वो पजल हो जाता है, उसके बाद में हैंग हो जाता है, फिर वो लास्ट में माइनस होकर उठते हैं। ये पर डे पे भी डिसाइड होता है, ये पर बैट पे भी डिसाइड होता है, मतलब रूल सेम है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा प्रोबेबिलिटी बैट नहीं होनी चाहिए, विनिंग बैट होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो हम रैंडमली लेके ही चलेंगे, इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे तीन मेरा मकसद इस तरह के वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही है, क्योंकि 3-5% लोग ऐसे होते हैं जो रूलेट के अंदर गैम्बलर नहीं है, प्लेयर हैं, जिनका रेगुलर इनकम है, जिनका घर बार इससे चलता है, जो बनाए है, मैं उन लोगों की तादाद बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों का वो ध्यान उन जगहों पे आकर्षित करना चाहता हूँ, इतनी धूप में बैठ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग इस तरह से बचो। देखो मेरी किसी भी स्ट्रेटजी या किसी भी सलाह से अगर आपके पैसे बचते, उससे मुझे कोई एडवांटेज नहीं होता। YouTube अगर मेरे को 1,000-2,000 रुपये महीना भी दे देगा तो उससे कोई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा चैनल इस बड़े लेवल पर नहीं है कि मेरे को कोई ऐड मिल रही है, ये मिल रहा है या वो मिल रहा है, और YouTube भी मेरे लिए सब कुछ नहीं है। YouTube को मैं इसलिए रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि YouTube एक माध्यम है कि मैं अपनी बात उन हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचा सकता हूँ जिनको इसकी ज़रूरत है, ये नहीं तो ऐसे प्लेटफॉर्म कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो YouTube का ये रोल है। बाकी कुछ लोगों ने मेरी बातों से प्रभावित होके या उनको मेरी बातें सही लगी, मेरी ईमानदारी उनको समझ में आई, तो कई लोगों ने मेंबरशिप ली है। तो जो मेंबर मेरे बने हैं उनका कुछ जो भी 50-100-200 रुपये महीना जाएगा उसमें से 55% YouTube मुझे देता है। तो अब सोचो कि अगर किसी से 60 रुपया लिया है तो उसका 55% मुझे मिलेगा, किसी से उसने 200 रुपया लिया तो उसका 55% मुझे मिलेगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत ये कि अपने को भी हौसला मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं भी स्पेशल एक रुझान रखता हूँ, एक उनके प्रति मेरी दिलचस्पी अलग रहती है क्योंकि उन लोगों ने ज्वाइन बटन पे जाके मेंबरशिप ली हुई है। तो जब मैं कभी लाइव चैट करूँगा तो लाइव चैट में जैसे आप लोगों के सवाल होते हैं तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके आगे एक निशान बना हुआ आता है कि ये आपके मेंबर है और किस क्लास वाले मेंबर है। तो उनके सवाल में मेरे उनके सवालों के जवाब देना और उनके सवाल पिक करना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, तो उनके लिए मैं यही कर सकता हूँ। बाकी मेरी सलाहें सबके लिए, जो मुझे पैसा देगा, मेंबर बनेगा तो भी और नहीं बनेगा तो भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और बाकी मेरे और भी वीडियो हैं, आप देखो उसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।